नमस्ते फ्रेंड्स, यह रंगोली आर्ट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी जो रंगोली आप देखने वाले हो, ये हम एक ट्यूटोरियल बना रहे हैं होली के लिए। अगर आपको ये रंगोली काफ़ी अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर कमेंट भी कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को अभी हम स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, ये विदाउट कलर हम आपको दिखाने वाले हैं। मान लीजिए, अगर आप जहाँ पर भी रंगोली बना रहे हैं, ये एक स्क्वायर जगह है, तो आपको कितना कलर कॉम्बिनेशन और कितनी डिज़ाइन वहाँ पर आने चाहिए, इस बारे में ये इन डीप चीज़ें होगी। तो वीडियो अंत तक आपको अगर आप देखते हो तो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हैप्पी होली या फिर ऐसे कुछ लिखना है तो आप ये चाहिए तो बस ऊपर ऐसे कुछ यहाँ पर लिख सकते हो। तो पहले आपको ये कम्प्लीट करना है, वो होने के बाद फिर आपको जो नीचे कुछ अलग अलग चीज़ें निकालनी है आप यहाँ पर निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी आपको ये पूरा भरकर नहीं निकालना है, आपको बस ये बीच में अगर आप निकालते हो तो ये लेटरिंग और आपका ये जो होली के लिए अगर आप कुछ सिंबॉलिक निकाल रहे हो तो ये दिखने में काफ़ी अच्छा नज़र आ सकता है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि ये जो होली के लिए जो आग लगाते हैं वो किस तरह से आप ये बना सकते हो। उसके लिए कुछ डंडी ऐसे कुछ वहाँ पर लगते हैं, कुछ झाड़ वगैरह वहाँ पर होता है, तो हम चाहिए तो बस ये कुछ ऐसे ऐसे लाइन्स आप निकाल सकते हो। और ये बस आपको जो अग्नि देवता है, आपको बस ये यहाँ पर कुछ इस एंगल से आपको ये निकालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी इजी तकनीक है। आइए फ्रेंड्स, कलर कॉम्बिनेशन के बारे में अभी हम यहाँ पर बात करेंगे। फ्रेंड, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर आपको लेटरिंग पहले घर का लेना है, वो होने के बाद यहाँ पर नीचे की आप जो भी डिज़ाइन या जो भी आप चीज़ निकाल रहे हो ये आप यहाँ पर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर पहले कलर कॉम्बिनेशन जो भी होगा, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन के शेड्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। लेकिन हाँ, अगर हम इमेजिन करेंगे तो ब्लू कलर शेड ये काफ़ी अच्छा लगेगा और यहाँ पर ये ग्रीन शेडिंग भी काफ़ी अच्छा लग सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर जो डंडिया ये होने वाली है ये ब्राउन शेड से अगर बनाते हो तो ये शेड्स काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आप पहले ही रेड कलर अगर आप इस्तेमाल करेंगे या फिर पिंक कलर का शेड इस्तेमाल करेंगे तो इतना अच्छा नहीं नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी रेड कलर का शेड ही होने वाला है। तो बस इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर एक ग्रीन कलर का शेड या फिर ब्लू कलर के शेड से आपने स्टार्ट किया है, यहाँ पर डार्क कलर या फिर यहाँ पर आप लाइट कलर देकर नीचे कलर आप शेडिंग कर सकते हो। और यहाँ पर आप बस लिख सकते हो हैप्पी होली या फिर होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर हमने लेटरिंग किया है और जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया था कि कलर ये नीचे नीचे है, जैसे आप लेते हो तो अगर इतना स्पेस है तो इतना पूरा आप दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर कलर देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप चाहे तो पहले आउटलाइन बना कर लीजिए, इसके बाहर का जो भी शेडिंग है ये पहले करके लीजिए, उसके अंदर का फिर आप बाद में आराम से दे सकते हो। यहाँ पर जो कलर शेडिंग होगा, यहाँ पर बस रेड और हल्का सा ऑरेंज कलर मिक्स कीजिए, ये आप नीचे यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पर एक पूरा चाहिए तो रेड कलर का शेडिंग या फिर ऊपर बस रेड कलर का शेडिंग या फिर डायरेक्टली ऑरेंज कलर का शेडिंग और हल्का सा यहाँ पर येलो कलर की आप शेड्स बस बीच बीच में कुछ ये ऐसे आप दे सकते हो, ताकि आपकी कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छे से दिख सकता है। यहाँ पर यह ब्राउन कलर का शेड ही होना चाहिए और बस नॉर्मल सभी शेड आप दे दीजिए, जैसे कि आप यहाँ पर ये बस ऐसे भी अगर आप पूरा शेड देते हो और ऊपर से बस उसको ऐसे कुछ लाइन्स भी करते हो तो भी ये बस आपने यहाँ पर डंडी रखे है ऐसे ये इमेजिन हो सकता है। तो ये बस होने के बाद फिर नीचे का कलर शेड्स आप आराम से दे सकते हो। हमेशा करते कि कलर कॉम्बिनेशन किस तरह से होना चाहिए, ये इन डीप चीज़ें शायद से ही कोई आपको इस तरह से इन डीप सिखाता होगा। तो अब आपके फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए और ज़रूर कमेंट भी कीजिए आपको ये रंगोली कैसे लग रही है। फ्रेंड्स, इस तरह की रंगोली या फिर ऊपर जो आप फ्री हैंड डिज़ाइन रंगोली जो आप देख रहे हो, ये इस तरह की फ्री हैंड डिज़ाइन आप ऑनलाइन क्लासेस भी 100% सीख पाएंगे। ऑनलाइन क्लास के जुड़ी जानकारी के लिए आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप नंबर है +91 अगर आप इंडिया के बाहर से हो 8983623472। फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों का अगर अच्छे से कमेंट्स आते हैं या फिर अच्छा सा ये वीडियो ग्रो होता है तो हम कलर वाला वीडियो भी आपके लिए बस प्रेजेंट ज़रूर करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।